मैं आरके सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए सांख्यिकी का अभ्यास 4B करें। निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो अधिकतर लोग पढ़े लिखे मिलते हैं, तो वो संख्याओं की गिनती इस तरह से करते हैं, लाइन खींच के, ठीक। और इस तरह से जब आप करेंगे, 4 हो गया, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4, और ये 5। इस तरह से संख्याओं की वो गिनती करते थे, वही गिनती यहाँ पर टैली चिन्ह के रूप में लाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है पहले वो देखेंगे। 5 है सबसे छोटी संख्या, ध्यान से देखिए, 5 है, 5 यहाँ लिख देंगे। अब ये 5 देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 3 लाइन इसके लिए होगा, 1 2 3। अब यहां बारंबारता में क्या लिखेंगे, 3। अब इसके बाद आप देखें 6, पहले 6 लिख दें, 6 एक बार, और देखें कहां है 6, ये दूसरी बार 6, यानी कि 2 लाइन, यहां 2 लिख देंगे बारंबारता में, क्योंकि 2 लाइन है टैली चिन्ह का। इसके बाद 7 देखें कहीं है, नहीं है, 8 है, पहले 8 लिख दें, 8 1 2, निशान लगाते जाए, 2 3, 3 बार 8 है, 8 के लिए 3 टैली चिन्ह होंगे, 1 2 3। 8 के बाद देखें 9 कहीं है, हाँ 9 है, 9 एक ही बार है, तो यहां 9 लिखेंगे, 9 के लिए 1 टैली चिन्ह, तो बारंबारता भी क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद देख लें 10 कहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 पहले लिख लें। अब इसका टैली चिन्ह देखें, 1 2 3, 3 टैली चिन्ह इसका होगा, 1 2 और 3, यहां पर बारंबारता में क्या लिखेंगे, 3। 11 के बाद आप 12 देखे हैं कहीं, 12 नहीं है, 13 है, 13 पहले लिख लें, 1 2, तो यहां पर 2 लिख देंगे, ठीक, 11 के लिए 2 हो गया। अब इसके बाद 14 है, 14 एक ही बार है, 14 लिख देंगे, और यहां पर 1 लिखेंगे, और ये यहां पर भी 1 लिखेंगे। अब ये पूरा जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। अब इसको मिलाइए, क्या ये 15 है, संख्याएं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये हमने बारंबारता जो सारणी बनाई बिल्कुल सही है। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं, आइए दूसरा का पहला सवाल देखते हैं। करें टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अब संख्याएं देखिए कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुल 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, लिख दिए। अब यहां लिख देंगे 2 3 4 5। अब 2 कितनी बार है वो देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 के लिए 3 टैली चिन्ह खींच देंगे, बारंबारता क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 टैली चिन्ह। इसके बाद 3 देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 के लिए भी टैली चिन्ह 3 खींच देंगे, और इसका बारंबारता क्या लिखेंगे, 3। अब 4 देखें कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 भी 3 बार है, 1 2 3, इसका बारंबारता लिख देंगे, 3। अब 5 देखते हैं कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार
पांच बार, तो पांच को पांच बार लिखेंगे, एक दो तीन चार। अब ये एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से ये हो गया तीन तरीके नौ पांच चौदह। अब इसको गिन लेंगे, चौदह है कि नहीं, ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। इसका मतलब ये हमारा सवाल पूर्ण हो गया। आइए दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें संख्याएं क्या है, यही काम करना है, बारंबारता साड़ी बनाना है। संख्या क्या है, बारह है, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, कुल पांच संख्याएं हैं। क्रम संख्या एक दो तीन चार पांच लिख दिए, यहां लिख देंगे बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। अब बारह देखे कितनी बार है, एक बार दो बार, केवल दो बार बारह है, पहली चीज इसमें दो लगा देंगे। तेरह देखे कितनी बार है, एक बार दो बार, केवल दो बार तेरह है, दो लिख देंगे। यहां बारह बार का दो लिखेंगे, यहां भी बारह बार का दो लिखेंगे। चौदह देखेंगे कितनी बार है, एक बार, एक ही बार चौदह है, एक लिखेंगे। पंद्रह देखे कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, एक दो तीन चार, चार लिख देंगे इसमें बारंबारता में। सोलह देखे कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार, तीन बार सोलह, एक दो तीन, चार लिख देंगे बारंबारता में तीन। दो दो चार, चार एक पांच, पांच चार नौ, नौ तीन बारह। अब यहां आप चेक कर लें कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये पूर्ण हो गया सवाल। इसके बाद ये सही है, इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।